टॉस की शुरुआत हो चुकी है, एक तरफ टीम है साई सोनीपत की और टॉस चलता हो यहाँ पे। टॉस जीत लिया टीम सुपरस्टार रेडर साथ में ये जो हमारी दूसरी टीम है, कितना बेहतरीन नजारा आपके साथ। साथियों नाम पवन हुड्डा, गांव चमारिया जिला रोहतक, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। उसे टच करने का प्रयास किया था, कामयाब के बारे में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले प्लेयर को भी हम नहीं आ सकते, पता नहीं कौन किस प्रकार की क्वालिटी रख रहा हो। और और उनके ओनर, उनके कोच से उनके ओनर, उनके साथी, उनके स्पॉन्सर हमारे मनोज गौतम जी ढेलू को चीता कहकर पुकार रहे हैं। मुझे पता है कि ढेलू के पास काफी काबिलियत है। फर्स्ट सेकंड राउंड के मैचों में लगातार स्कोर किया है। सुपर टैकल और तीनों खिलाड़ियों के अंदर अंकित पांच नंबर जर्सी का खिलाड़ी अंकित इस समय रेड के लिए गया है, मात्र औपचारिकता होगी रेड की, क्योंकि पता है कि डिसाइड रेड आएगी अब होगी। साथियों जर्सी नंबर पांच बहुत शानदार फुटबॉल और ये बहुत
बॉडी कॉन्टेक्ट खेल है और इसमें ये सब खिलाड़ी मात्र ये 10 मिनट की लड़ाई है, बाद में सब भाई एक ही जगह ये खिलाड़ी लगभग अभ्यास करते हैं एक दूसरे की टीम का हिस्सा बनकर टूर्नामेंट में खेलते हैं। कभी कोई खिलाड़ी किस टीम में, कभी कोई किस टीम में। बहुत शानदार एक अच्छा एक्सपीरियंस है और इस मैचों की जो वीडियो है वो आप ताले दिखाना। उज्ज्वल फिर वापस अगले मैच की दोनों बिल्कुल खेल के प्रेमी थे वो अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अरमान लीग के साथ गौतम जी के अनुसार चीता जो कि पृथ्वी का सबसे तेज गति से दौड़ने वाला, लेकिन 4-5 के बीच में बहुत मुश्किल होता है पॉइंट में। बाहर लीजिए भाई साहब, दिखाने के लिए अब देखेंगे कौन सा तीर तरकस से निकलेगा। बहुत सारे तीर सुने हैं मैंने, चौहान साहब बोल रहे क्योंकि दो कैच जिस रेडर को लग जाती है उसे भली भांति पता होता है, नहीं दोहराएगा क्योंकि ये अमन इस समय भारतीय थलसेना में कार्यरत एक खिलाड़ी है। क्या बात है, बहुत शानदार और जबरदस्त। एक बार फिर उज्ज्वल ये भी खिलाड़ी नेशनल का खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा है जो साई किट में है या साई की टीम का जो हिस्सा है वो सबके सब खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से नेशनल खेले हुए खिलाड़ी है। भारत और पाकिस्तान का कबड्डी का मैच बहुत बढ़िया भाई। हर भाई अब रेड पर अंकित इस समय रेड पर रेड की टीम चाहे चमारिया की बात हो फुटवर्क दिखाते हुए नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और ये कॉर्नर को एक ही रेड में आउट करने का काम किया है। ये आप बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं चमारिया टीम की कि दोनों के दोनों कॉर्नर एक रेड में चले गए, पूरा डिफेंस खत्म हो गया और ये एक जबरदस्त कोशिश और शायद ही आगे चल करके कहीं ना कहीं हमारे टीम के सामने 4 के बीच में 4 में थोड़ा सा क्रिकेट तो ज्ञान से है। दो दो खिलाड़ियों के दो चयन है जो टीम के डिफेंस में